तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड गाइस आज की स्टूडियो में आपको मैं दीपावली फेस्टिवल के ऊपर यहाँ पे आपको मैं फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ, वो भी गाइस पिक्सार एप्लीकेशन की मदद से। एंड गाइस बहुत ही अमेजिंग एंड गाइस बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। जो कि आप अपने फोन के स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, इस टाइप से गाइस जो कि फोटो एडिटिंग है दीपावली फेस्टिवल के ऊपर। एंड गाइस ऐसी जो फोटो है ना भाई, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चलती है। एंड गाइस जैसे आप इसे आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं ना, इंस्टाग्राम फेसबुक पे, एंड गाइस वहाँ पे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड गाइस काफी ज्यादा कूल टाइप की लगती है। एंड गाइस अगले वाले को भी ऐसा लगता है हाँ भाई कि इसकी फोटो बढ़िया है। तो भाई इस टाइप का फोटो एडिटिंग सीखने के लिए ना क्या कीजिएगा, वीडियो को भाई शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड गाइस चैनल पे नहीं बना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब एंड गाइस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा। एंड गाइस क्या है ना, अगर आपको पिक्सार्ट का प्रीमियम वर्जन अगर आपको यूज करना है, कैसे उसे बाय करते हैं, कैसे उसे फ्री में डाउनलोड करते हैं, मतलब क्या कीजिएगा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना, तभी आपको पूरा वीडियो यहाँ पे पूरा समझ में आ जाएगा। एंड गाइस जैसे आप इसे स्टेप बाय आप इसे पूरा फॉलो कर लेते हैं ना, तो भाई मेरा 100% गारंटी है कि आप इसे ऐसा फोटो एडिटिंग अमेजिंग तरीके से कर पाएंगे। तो भाई इसको यहाँ से क्रॉप करने के बाद डन कर देंगे। जो भी मैं बैकग्राउंड PNG का मैं यूज़ करूंगा उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे अपन रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे ना, तो आपको जो बैकग्राउंड है कुछ स्टेप से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने थंबनेल पे क्लिक करके है ना, वैसे ही यहाँ पे आपको पूरा सेम टू सेम यहाँ पे पूरा फोटो एडिटिंग करके यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो पहले वीडियो को भी एंड तक जरूर देखिएगा। तो पहले क्या कीजिए ना, इसको यहाँ पे कुछ स्टेप से आप अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपका फोटो है उस हिसाब से आप इसे पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से अपन एड फोटो पे क्लिक करेंगे। एंड जिस जिस फोटो को यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, एडिट करना चाहते हैं ना, उस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड कर देंगे। एंड यहाँ से क्या है, यहाँ पे अपना वन क्लिक के अंदर यहाँ पे अपना जो बैकग्राउंड है वो पूरा रिमूव हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। एंड जो कि यहाँ पे अपना जो फोटो है अपने हिसाब से आप इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ उस टाइप से यहाँ पे भी आपको कर लेना होगा, तभी गाइस यहाँ पे आपका इस टाइप से गाइस फोटो एडिटिंग हो पाएगा। एंड क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड क्या करेंगे, जो ये ताले वाला ऑप्शन है ना, इसको यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ, ताकि जो ये ताले वाला ऑप्शन है ताकि ये हिले डुले ना, क्योंकि जिसे मैं डन कर देता हूँ ताकि ये अपने जगह पे स्थिर रहे। इसे अपने फोटो के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करिएगा मेरी जान, क्या कीजिएगा उसके बाद ना, यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे यहाँ पे आप ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड ऊपर की ओर स्क्रॉल करना होगा। एंड गाइस जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे इस वाले PNG को यहाँ पे आपको ऐड कर लेना होगा। एंड गाइस फिर से यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया हूँ, एंड गाइस ये भी यहाँ पे आपका वन क्लिक के अंदर यहाँ पे आपका एडिट हो जाएगा। अगर आपका दूसरे टूल से भी हो रहा है तो आप उसे आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं इस टाइप से इसे मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा, जो काफी कूल टाइप से लगने वाला है अपने फोटो के अंदर। एंड क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये डुप्लीकेट लेयर क्लिक करने के बाद क्या कीजिएगा, कुछ इस टाइप से अपने फोटो के आइट साइड में इसे लगा दीजिएगा, ताकि आपका जो फोटो है काफी कूल टाइप का लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एंड क्या करूँगा यहाँ पे मैं इसको मैं फिर से लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के बाद फिर से यहाँ पे आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे आप ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड गाइस यहाँ पे आपको दीवाली PNG यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड गाइस यहाँ पे फिर से मैं इसका मैं बैकग्राउंड पूरा रिमूव कर देता हूँ। एंड गाइस जो ये एक प्रकार से AI है, अगर आपके में फोन पे यूज़ करता है नहीं करता है, अगर आपको पिक्सार्ट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो गाइस मुझे आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस लोग जैसे कि देख सकते हैं, मैं इसको कुछ स्टेप से जमाऊंगा एंड इसे अनलॉक करके, एंड फिर से यहाँ पे इसको फिर से, एंड जो कि दीपावली है वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जो कि देख सकते हैं मतलब फोटो का भी अपन अपने फोटो हिसाब से इसे एडजस्ट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया हो ना, वैसे ही यहाँ पे भी आपको एडजस्ट कर लेना होगा। अदरवाइज आपने अच्छे तरीके से पहले एडजस्ट किया हुआ तो उसे आप रख दीजिएगा। एंड गाइस क्या करिएगा, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में क्लिक करना होगा शैडो। शैडो क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करके अपने फोटो के नीचे यहाँ पे कुछ इस टाइप से लगा दीजिएगा। एंड फिर से यहाँ पे लॉक पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड फिर से यहाँ पे स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड फिर से सर्च पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे दिवाली करके सर्च कर दीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा एंड इस वाले PNG को ले लेना होगा। एंड इस वाले PNG को लेने के बाद क्या कीजिएगा, स्टेप से अपने फोटो के ऊपर स्टेप से लगाइएगा, ताकि जो आपका फोटो है वो काफ़ी ज़्यादा कूल लगे। एंड फिर से यहाँ पे अपन डुप्लीकेट लेयर तैयार करके अपने इस साइड भी लगा लेंगे।
एंड इस वीडियो को अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड इस फोटो को एचडी में सेव करने के लिए पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। लवी लवी सपोर्ट मिल जाए।